मैं आपको देखता हूँ, आपको बड़े कामयाब इंसान देखता हूँ, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि अल्लाह ने आपको एक अलग ही खमीर से बनाया है, जिसमें सिर्फ कामयाबियों के साथ ही आपका मेरे ख्याल में मिट्टी जो है वो गूंदी है। लेकिन ये जो आपका एक फैसला था, ये आपको कोई रिग्रेट फील होता है इस बात पे कि आपने इंडिया में जाके शादी की, उस वक्त की बॉलीवुड की ज़बरदस्त एक्ट्रेस से आपने शादी की, और एक वही एक चीज़ ऐसी नज़र आती है मुझे आपकी लाइफ में जब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसमें आप शायद सफ़र कर गए, या उसमें आप शायद थोड़ा सा रिग्रेट मुझे फील होता है कि आप शायद कर गए। नहीं, मुझे कोई बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, मैं आज आपके सामने कहता हूँ, नाज़रीन के सामने बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। और मैंने एक इंसान से शादी की थी, मैंने नहीं देखा था कौन कहाँ का है क्या है, और हो गया तब ऐसे करके, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन इवेंचुअली अली मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैंने रहना पाकिस्तान में है। मैं भला इंग्लैंड जाता था खेलने, पाकिस्तान टीम की तरफ से सारी जगह जाता था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे इंग्लैंड जाके खेलता था मैं काउंटी और लीग, पहले काउंटी खेला फिर लीग क्रिकेट, लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ था इवेंचुअली मैं पाकिस्तान में रहूँगा। बल्कि इमरान और मैं 84-85 में जब पाकिस्तान ऐसे शूट अप कर रहा था तरक्की की तरफ, तो हम दोनों उस वक्त बातें करते हुए करते थे कि हम रहेंगे पाकिस्तान में। तो ये देख लीजिए, आज वो भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ। बिकॉज अली आपकी, इफ़ी की, मेरी और सब जो लोग जो हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। हम दुनिया में कहीं भी जाके वो करें। मोहसिन भाई, मुझे आपकी इस बात से एक सवाल ऐसे ही मेरे जहन में आ गया, क्योंकि ब्रेक का कुछ बताया नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अक्सर कहा जाता है क्रिकेटर्स जो होते हैं वो खूबसूरती देख के फिसल जाते हैं, तो आपको रिग्रेट उनसे मोहब्बत का भी नहीं है, मतलब कि मुझे मोहब्बत थी उनसे तो मैंने शादी कर ली, या सिर्फ ये था आपका कि मैंने पाकिस्तान में रहना है इसलिए तुम भी पाकिस्तान में रहो? देखिए, पहली बात तो मोहब्बत वाली, मैंने तो कभी उनकी कोई भी फिल्म भी नहीं देखी थी शादी से पहले। आई स्वेयर अपॉन गॉड, लोग यकीन नहीं करते इस बात को, मैं देखता नहीं। कभी कभार मैं आपको बता दूँ, घर में मैं गुजर रहा हूँ, जैसे शाम को निकल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन का अगर सीन कोई चल रहा है तो मैं कभी कभी रुक के खड़े होकर देख लेता था, वो भी 2-4 मिनट के लिए, मैं फिल्म द्वारा नहीं देखता था। तो दैट वाज अ पर्सन, कोई खूबसूरती में मैं कभी नहीं फिसला, मैं अच्छे इंसान पे फिसलता हूँ, जहाँ मुझे कोई अच्छा इंसान मिलता है। ब्रेक पे आप पे फिसल तो सकते हो ना कोई, अब वो आप